नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। सूर्य ग्रहण इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होने वाला है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण से किन किन देशों में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है। यह साल का सबसे अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में मंगलवार के दिन आश्विन मास की अमावस्या को दिखाई देगा। भविष्य फल के अनुसार तुला राशि का सूर्य सोने के दामों में तेजी लाता है। वहीं बृह संहिता के राहु चार अध्याय के अनुसार तुला राशि में ग्रहण हो तो उज्जैन और उसके सीमावर्ती प्रदेश यानी कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, व्यापारी वर्ग मरु तथा कच्छ प्रदेश जिसे वर्तमान में गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान में सिंध प्रांत कहा जाता है, यहाँ के लोगों को कष्ट होने की ज़्यादा आशंका है। सूर्य ग्रहण से कुछ दिनों बाद ही सरकारी एजेंसियों की कार्यवाही व्यापारी वर्ग तथा धनाढ्य लोगों को कुछ कष्ट दे सकती है। तुला राशि के अधीन आने वाले पदार्थ जैसे उड़द, राजमा, जौ, गेहूं, सरसों आदि के दामों में तेजी देखी जाएगी। भारत में यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिन में दोपहर 2:29 पर आरंभ होगा और शाम 6:15 भारतीय समय अनुसार सूर्यास्त के समय समाप्त हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त ये ग्रहण अधिकतर यूरोप, मध्य प्रदेश, पूर्व एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एरिया, उत्तरी हिंद महासागर में भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के कुछ दिनों के भीतर ही रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध भयानक रूप ले सकता है। ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में केतु और शुक्र के साथ तुला राशि में युद्ध होने से पश्चिम दिशा में इस ग्रहण का प्रकोप सबसे अधिक होगा। मकर राशि में गोचर कर रहे शनि की 10वीं दृष्टि के चलते सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण के समय विशेष पीड़ा होने से यूरोप में दुर्भिक्ष यानी अनाज की कमी और युद्ध की हालत बनने के योग बन रहे हैं। भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुछ हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। ईरान की कर्क लग्न की कुंडली के चौथे घर को पीड़ित कर ये सूर्य ग्रहण वहाँ महिलाओं के हिजाब के विरोध में चल रहे आंदोलन को हिंसक बना सकता है। ग्रहण के समय शुक्र का सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त होकर शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित होना महिलाओं के विरुद्ध कुर्तम अपराध होने का ज्योतिषीय योग बन रहा है, जिसका विशेष प्रभाव ईरान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भागों में देखा जाएगा। ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार महिला आंदोलनकारियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बेहद कड़े प्रतिबंध और आलोचना झेलने पर विवश होगी। तुला राशि का ग्रहण पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में होकर वहाँ राजनीतिक हिंसा का योग बना रहा है। ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है, जिसमें वक्री गुरु बुध पर शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसे में सरकार की नई आर्थिक नीतियों और सरकार एजेंसियों की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कार्यवाही से कुछ बड़ी हस्तियों पर संकट के बादल छाए रहेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रहण की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा, चतुर्थ में मंगल और धन लाभ में राहु बड़े नेताओं के कुछ अशुभ संकेत दे रहे हैं। दीपावली के अगले दिन मंगलवार को लग रहा यह सूर्य ग्रहण भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की कोई बड़ी कार्यवाही का ज्योतिषीय संकेत दे रहा है।